सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए, आरोपियों को रक्षणा नहीं देना चाहिए। अगर ये होना है तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तहत उनके निगाह में एक टीम बना के इंक्वायरी कराओ, जब सच्चाई सामने आता है। सीटी रवि जी को मालूम होना चाहिए अगर व्हाट्सएप में कोई सिग्नेचर करता है क्या, उतना तो कॉमन सेंस रहना चाहिए उनको। व्हाट्सएप में सिग्नेचर नहीं होता है, व्हाट्सएप अगर उनके फ़ोन से भेजा गया है तो उन्हें ही भेज सकते, उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं कर सकते, वो उनको मालूम होना चाहिए। आज कलबुर्गी में जो राज्य बीजेपी सरकार का ब्रह्मांड भ्रष्टाचार चल रहा है, 40% कमीशन का है सरकार, एक बीजेपी कार्यकर्ता का जान लिया है, उसको मार दिया है, और बीजेपी के जो मंत्री ईश्वरप्पा जो कि ब्रह्मांड भ्रष्टाचार में लुप्त हुए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना, उनको अरेस्ट करना, और जो ना जितने डिपार्टमेंट में बीजेपी की सरकार में 40% कमीशन चल रहा है, तो इसके बारे में न्यायांग इंक्वायरी होना, और ये जो भी इंक्वायरी होता है, तहकीकात होता है, ये हाईकोर्ट के एक जो है ना न्यायाधीश के, सिटिंग न्यायाधीश के निगाह में एक तनिखा टीम बना के इसको विचार करना, जो है ना तहकीकात करना, जो भी इसमें दोषी है उन दोषियों को जो ना सज़ा मिलना चाहिए। जो संतोष पाटिल है जो कि इनकी बर्बरता की वजह से उन्होंने आत्महत्या किया है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का जो है ना परिहार देना, उनके परिवार उनके धर्मपत्नी को जो है ना सरकारी नौकरी देना, ये सब जितने हमारे मांगे हैं, और कर्नाटक राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करना, ये डिमांड रखते हुए हम लोग आज कलबुर्गी में प्रतिभटना किए हैं। पूरे राज्य भर में ये प्रतिभटना जो है ना हर दिन चल रहा है, ये आगे भी ऐसे ही चलेगा जब तक ये भ्रष्ट सरकार, ये जो जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, शोषित विरोधी सरकार है, युवकों की विरोधी सरकार है, इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने तक हमारा ये जो संघर्ष है, ये जो चलवड़ी है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो भाई सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए, आरोपियों को रक्षणा नहीं देना चाहिए। अगर ये होना है तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तहत उनके निगाह में एक टीम बना के इंक्वायरी कराओ, जब सच्चाई सामने आता है। आज जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार, यहाँ पे 40% भ्रष्टाचार चल रहा है, ये जो आरोप ये जो राज्य सरकार के ऊपर आया है, ये आरोप किसने लगाया है, हमको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आरोप किसने लगाया है। ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन वाले ये आरोप ये लगा रहे हैं कि एमएलए, बीजेपी के एमएलए और बीजेपी के मंत्री 40% यहाँ पे रिश्वतखोरी कर रहे हैं और इस राज्य को लूट रहे हैं। तो इसके तहत ही संतोष पाटिल का भी ये जो आत्महत्या का जो प्रकरण है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो RDPR मिनिस्टर थे, वो जो ईश्वरप्पा, उन्होंने 40% रिश्वत मांगने की वजह से ये जो संतोष पाटिल आत्महत्या किए हैं, ये सबको पता चल गया है, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किए हैं। लेकिन उनको रिज़ाइन करने से ही ये मसला हल होने वाला नहीं है, उनके ऊपर जो मुकदमा चलना चाहिए वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सेक्शन 13 एंड 7A के अंदर उनको केस बुक करना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, और ये इंक्वायरी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के निगाह में सुप्रत में होना चाहिए। अच्छा, वो सीटी रवि जी को मालूम होना चाहिए अगर व्हाट्सएप में कोई सिग्नेचर करता है क्या, उतना तो कॉमन सेंस रहना चाहिए उनको। व्हाट्सएप में सिग्नेचर नहीं होता है, व्हाट्सएप अगर उनके फ़ोन से भेजा गया है तो उन्हें ही भेज सकते, उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं कर सकते, वो उनको मालूम होना चाहिए। तो ये इसमें क्या है, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है उनको अरेस्ट करके अगर इंक्वायर करेंगे तो एक मंत्री नहीं सारे मंत्री जेल को जाएंगे, ये डर गए, वो उन्होंने नहीं कर रहे, ऐसा मोदी जी का इंस्ट्रक्शन होगा। हत्या कर ली है, इसीलिए ईश्वरप्पा जो ओवरऑल डायरेक्शन दिए 4 करोड़ का काम करो बोल के, उन्होंने
पेमेंट नहीं कर रहे थे, ईश्वरप्पा को रिक्वेस्ट करे हम काम करे हैं, हमको बिल दे दो बोल के, क्यों बोले तो उन्होंने बिल पेमेंट नहीं किए और 40% पूछने लगे, पूछे तो 40% दे दो नहीं तो बिल नहीं करते बोले, तो उन्होंने आत्महत्या कर लिए, क्यों बोले तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पहला 40% का आरोप करे थे उन्होंने, ये गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट में 40% परसेंटेज पूछते हैं, बल्कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन वाले पहले स्ट्राइक भी करे हर तरफ पूरे ईडी स्टेट में, ये क्यों बोले तो ये संतोष पाटिल जो आत्महत्या कर ले के ये विटनेस दिया, प्रूफ दिया सर का होगा, ये बीजेपी सरकार जो कर रहे हैं 40% पूछने का सही है बोल के इन्होंने विटनेस दिया सर का होगा, डेथ होके सुसाइड कर ले के उन्होंने प्रूफ कर दिए, ये गवर्नमेंट में 40% जरूरी 40% देना पड़ता है काम करे तो बोल के उन्होंने प्रूफ दिए, इसीलिए हम ईश्वरप्पा को इमीडिएट उनको अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट करके उनको जो कानून तहत जो उनको पनिशमेंट देना है वो देना चाहिए बोल के हम कांग्रेस के तरफ से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डबल सरकार बीजेपी सरकार के फर्स्ट बीजेपी सरकार के सरकार के
करेंगे। बीजेपी सरकार।